आज का वीडियो का टॉपिक है हमारा माध्य का मीडियन। क्लास सेवेंथ का जो चैप्टर हम त्रिभुज के क्लास सेवेंथ का जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे त्रिभुज, जिसमें पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था शीर्षलंब, उसी में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है माध्य का। माध्य का को इंग्लिश में कहते हैं मीडियन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मीडियन हमारा क्या होता है और कैसे ड्रॉ किया जाता है मीडियन। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारी माध्यिका होती क्या है। त्रिभुज के बारे में हम जानते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ये हमारे पास एक त्रिभुज या एक ट्रायंगल है ABC। इसमें माध्यिका क्या होती है, माध्यिका क्या होती है कि किसी भी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है, हमारी माध्यिका कहलाती है, मीडियन कहलाती है। जैसे इसका AB जो रेखा है, सी शीर्ष के सामने की रेखा क्या है, AB है। इसका मध्य बिंदु अगर D है, मध्य बिंदु यानी कि बीचों बीच का बिंदु, सपोज कीजिए अगर AB हमारी 6 सेंटीमीटर है तो D हमारा कहाँ होगा, D होगा हमारा A से 3 सेंटीमीटर पे। जो बीच का बिंदु होता है, मध्य का बिंदु होता है, इस मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। जिस तरह से एक त्रिभुज में 3 शीर्षलंब होते हैं, उसी तरह से एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। जैसे इसका मध्य बिंदु AB का तो D है, और अगर CB का मध्य बिंदु हम कह दें कि वो E है, और AC का मध्य बिंदु अगर F है, तो F को B से मिलाने वाली जो रेखा होगी वो हमारी त्रिभुज की दूसरी माध्यिका होगी, और जो हमारी E से A को मिलाने वाली रेखा होगी वो हमारी त्रिभुज की तीसरी माध्यिका होगी, थर्ड मीडियन होगी। इस तरह से जो है हमारे पास एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। और अब हमारी नेक्स्ट चीज है कि संगामी। एक शब्द आया संगामी, हमने शीर्षलंब वाले जो वीडियो था उसमें भी जाना था कि संगामी या कॉन्करेंट क्या होता है। इसी तरह से इसमें भी एक वर्ड है, ये ही वर्ड है संगामी। इसमें हमने देखा कि हमारे पास 3 माध्यिकाएं हैं एक त्रिभुज में, और जो तीनों माध्यिकाएं हैं वो क्या है कि वो एक कॉमन पॉइंट पे आके मिलती हैं, एक बिंदु से होकर जाती हैं तीनों, या कह सकते हैं कि एक बिंदु पर तीनों काटती हैं। तो जिस बिंदु पर ये काटती हैं, क्योंकि तीनों एक बिंदु से होकर जाती हैं, इसलिए त्रिभुज की जो तीनों माध्यिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, संगामी। संगामी मतलब एक म्यूचुअल पॉइंट से होकर जाने वाली रेखाओं को हम क्या कहते हैं, संगामी रेखाएं कहते हैं, कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। अब जो ये बिंदु है, जिस बिंदु से होकर ये जाती हैं तीनों रेखाएं, ये जिस बिंदु से होकर जाती हैं, इस बिंदु को, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम त्रिभुज का केंद्रक। ये होता है त्रिभुज का केंद्रक या सेंट्रोइड, इंग्लिश में से सेंट्रोइड बोलते हैं और हिंदी में से त्रिभुज का केंद्रक बोलते हैं, या त्रिभुज का इसे हम गुरुत्व केंद्र भी बोलते हैं। अब ये था हमारा माध्यिका, हम इसमें जान चुके हैं कि माध्यिका क्या होती है। अब माध्यिका को ड्रॉ कैसे करते हैं, कैसे माध्यिका को खींचा जाता है, ये हम जानते हैं। अब हम देखेंगे कि हम किसी त्रिभुज की माध्यिका को खींचते कैसे हैं, उसकी रचना कैसे करते हैं। ये हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, हमें बिंदु सी से माध्यिका खींचनी है, बिंदु सी से इस पे हमें माध्यिका खींचनी है। पहला तरीका हमारा क्या है कि हम अपनी दी हुई लाइन का, हम अपनी लाइन की जो नाप है उसे मीजर कर लेंगे स्केल की हेल्प से। जैसे कि मुझे AB पे जो सी से माध्यिका ड्रॉ करनी है, तो मैं इसे नाप लेती हूँ, ये कितना है कि 30, ये 30 सेंटीमीटर, और ये 47 सेंटीमीटर की मेरी लाइन है। मैं उसे आधा कर दूंगी और 47 का हाफ कितना होता है, 23.5। ये 23.5 सेंटीमीटर पर जहां ये मेरी नाप आएगी, मैं उस पर निशान ये हमने लगा दिया, और इसे हमने कोई भी नाम दे दिया ABCD।
डी नाम हमने इस बिंदु को दे दिया और इस बिंदु को हमने डायरेक्टली क्या किया कि स्केल की हेल्प से मिला दिया। ये हमारी मीडियन ड्रॉ हो गई। और जब हम प्रकार की हेल्प से, प्रकार पेंसिल की हेल्प से मीडियन ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या करते हैं कि जो हमारी रेखा है एबी, हम उसका लंबार्धक करते हैं। लंबार्धक यानी कि उस पर एक ऐसा लंब ड्रॉ करते हैं जो उस रेखा को आधा भी करता है। लंबार्धक का मतलब क्या होता है? ऐसा लंब जो रेखा को दो बराबर भागों में बांटता है। और लंबार्धक कैसे खींचा जाता है ये हम पहले भी जान चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में एक बार फिर से देख लेते हैं कि रेखा एबी है, रेखा एबी, उसका हमें लंबार्धक करना है या बीच का पॉइंट पता करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम अपनी प्रकार में इतनी डिस्टेंस भरेंगे, इतनी दूरी भरेंगे जो इस रेखा के आधे से लगभग क्या होगी, अधिक होगी। आधे से अधिक की दूरी भर लेंगे और एक चाप ड्रॉ कर देंगे नीचे की तरफ और एक चाप ड्रॉ कर देंगे ऊपर की तरफ, पहले बिंदु पर प्रकार की नोक रख के। और दूसरा क्या करेंगे, हम दूसरे बिंदु पर, दूसरे छोर पर रेखा की अपनी प्रकार की नोक रखेंगे और इस चाप को काटते हुए दूरी को बिना बदले, दूरी को हमें प्रकार और पेंसिल के बीच की दूरी को चेंज नहीं करना और उसे बिना बदले हम दूसरा चाप लगा देंगे। और ये चाप दोनों एक दूसरे को जहां काटेंगे, एक दूसरे को जहां काटेंगे उन बिंदुओं को हम आपस में मिला देंगे। उन बिंदुओं को हम स्केल की हेल्प से आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। और ये जो रेखा आएगी, ये जो रेखा आएगी, ये रेखा एबी को जिस बिंदु पर काटेगी, जिस बिंदु पर काटते हुए रेखा आएगी वो क्या होगा, एबी का मध्य बिंदु होगा। इस तरह से हमें एबी का मध्य बिंदु मिल जाएगा और उस मध्य बिंदु को हम स्केल की हेल्प से बिंदु सी से मिला देंगे। इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं माध्यिका या मीडियन। ये हमने एबी पर ड्रॉ की थी, इसी तरह से सीबी पर ड्रॉ कर सकते हैं और इसी तरह से हम एसी पर ड्रॉ कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।